की एक और जुमला सुन लीजिए, बड़ा अजीब बात है ये। इसका नाम है इमरान, मैंने नाम नहीं बताया, इमरान नाम है, हैदराबाद का है। कहाँ का है? हैदराबादी है, बाता नहीं करते हम है हैदराबादी, वो लहजा है इसका। और जाकिर नाइक का चेला है, सुनिए क्या कहता है। सबसे पहली चीज, मिलादुल नबी जो लोग मनाते हैं उनका दावा ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मना रहे हैं, और उनका ये पेश करना है जो मिलाद नहीं मनाते वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, और जो नहीं मनाते उनका ये कहना है और मेरा भी ये कहना है कि जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता वो मिलाद मनाता है, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है वो मिलाद नहीं मनाता। कुरान में अल्लाह ने सूरह, ये पहली बात का सुन ले फिर बाकी आगे दूसरा जवाब देता हूँ, उसकी जहालत की बात देखो। का जो रफ़ी का मिलाद मनाते हैं उनका दावा यह है कि जो रसूल से मोहब्बत करता है वो मिलाद मनाता है, और कहता हम ये कहते हैं कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो मिलाद नहीं मनाता। मतलब ये अल्लाह का मिलाद मनाता हूँ फिर तो अल्लाह पैदा हुआ है, लम यलिद वलम यूलद उसकी शान है, तो इसकी जहालत देखो। यानी कहता हम अल्लाह से मोहब्बत करते इसलिए नबी का नहीं मनाते, तो फिर अल्लाह का मनाता हूँ ये। अबे जो पैदा हुआ उसी का मिलाद मनाया जाता है, और जो जात पैदा होने से पाक है उसका मिलाद नहीं मनाया जा सकता। और पूरी कायनात में रब ही एक ऐसी जात है कि जो पैदा नहीं हुआ, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ, बाकी जितनी चीजें सब पैदा हुई है, सब हादिस है, रब की जात गैर हादिस है। अब उसके बाद कुरान की एक दलील, और दलील कैसी दिया उसने, बोलते ना मारे घुटना फूटे आंख, यानी कहाँ के उल्लू माँ के खपती बेटे चिराग लेके हगने को बैठे, वो दलील ला रहा है। अब सुनिए, अल्लाह ने सूरह मायदा की आयत नंबर 3 में कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है, हमारी जो जो नेमतें हैं वो तुम पर पूरी कर दी हैं और इस्लाम से हम राजी हुए हैं। अब ये दलील लाई कि अल्लाह ने कुरान में कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तो जब दीन मुकम्मल हो गया तो मिलाद बात की चीज है। अब ये बताओ दीन मुकम्मल होने से पहले नबी आए कि दीन मुकम्मल होने के बाद आए, जहालत देखो। तो जब पहले आए तो मिलाद मनाना भी दीन के अंदर आ गया ना, लेकिन मारे घुटना फूटे आ, जब दीन मुकम्मल हो गया तो फिर एक काम करो, नबी ने तो नहीं कहा था कि कुरान के बाद बुखारी को दूसरे नंबर पर रख देना, तुमने क्यों रख दिया? नबी ने तो नहीं कहा था कि जमाते बनाना और ये करना, अभी सारी मैं मिसालें दे चुका हूं जो इनकी बिदअतें हैं। तो जब दीन मुकम्मल हो गया तो तू ये कोट टाई पहन करके तकरीर क्यों कर रहा है, इस तरह के स्टेज क्यों लगा रहा है? दीन तो मुकम्मल हो गया ना, दीन में ये चीजें नहीं है। फिर ये तुम जो कर रहे हो रिबीने काट रहे हो ऑफिसों के, दीन तो मुकम्मल हो गया ना।